मोहब्बत में अगर निकले तो ये कोहराम कर देंगे। इस तरह देखिए, मोहब्बत में ये निकलेंगे तो फिर कोहराम कर देंगे। यही दो चार आंसू, यही इस तरह देखे, इस तरह यही दो चार आंसू आपको बदनाम कर देंगे। हमारे पास, आप उधर कहां देख रहे हैं, उस तरफ कहां देख रहे हैं, हमारे पास धड़कन है, जिगर है, जान है, दिल है। तू जिस पर हाथ रख देगा वो तेरे नाम कर देंगे। मंच पे तशरीफ फरमा हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और इस जलसागार के अंदर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहनें और तमाम मीडिया के तमाम साथी, भाई पटाखा मत फोड़ो, तमाम दोस्तों और साथियों, 20 तारीख को पार्लियामेंट के इलेक्शन की वोटिंग है, धुलिया लोकसभा हल्के की, और आज हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शोभा बच्चाव, जो हमारी उम्मीदवार है इंडिया अलायंस की, उसके लिए वोट मांगने के लिए आज ये जलसा ले रहे हैं। आप 20 तारीख को बरोस पीर को, शोभा बच्चाओं को दो नंबर बटन दबाकर पंजा निशान के ऊपर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें, मैं अपील करता हूं। बहुत दिनों के बाद मुशर्रफ चौक के अंदर हम लोग जलसा ले रहे हैं। और शहर के अंदर 5 या 6 कोई जलसा चल रहा है अलग अलग पार्टियों का, लेकिन खास बात यह है कि सब शोभा बच्चाओं की हिमायत में जलसा ले रहे हैं। और कल का दिन, कल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मालेगांव शहर के अंदर जलसा लेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए लेंगे। कल प्रचार खत्म हो जाएगा, ये देश का इलेक्शन, ये मुल्क का इलेक्शन, ये कोई कॉरपोरेशन की जैसा वर्कर लगाने का इलेक्शन नहीं है, यह असेंबली का इलेक्शन नहीं है कि गली गलियों के अंदर अदारे कलबे नौजवान ग्रुप बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं, ये वो इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस मुल्क की मुस्तकबिल का, संविधान को बचाने का, एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कैबिनेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियां मिलकर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम से इलेक्शन लड़ रही है। और वो हमारा संविधान, वो हमारा आईन इस मुल्क का, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो हमारे संविधान ने, हमारे आईन ने हर मजहब के लोगों को, चाहे वो कोई भी मजहब को मानने वाले हो, सबको मुकम्मल तौर पर आजादी दी,
यहां तक कि 2014 तक चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन ये 10 साल के अंदर जो संविधान को तब्दील करने का काम किया गया, माइनॉरिटी को साथ में जुल्म करने का काम किया गया, संविधान को खत्म करने का काम किया गया और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का काम ये 10 सालों के अंदर हुआ है। आमतौर पर आप लोगों को पता नहीं होता कि मुल्कों के अंदर क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे के ऊपर, कौन सी बात के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में इलेक्शन को लाकर खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक महीना डेढ़ महीना पहले हमको लगा नहीं था, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हमको नहीं लगा कि ये मुल्क की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सलाम करता हूं हमारे मुसलमानों को इस मुल्क के, मैं सलाम करता हूं यहां इस देश के किसानों को, किसानों को सलाम करता हूं, दलित भाइयों को, आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं उनको सलाम करता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर ऐसा वातावरण बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि इंशाल्लाह 4 तारीख की सूरज हमारे लिए नई किरण होगी, नई उम्मीद होगी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। आज ये हालत के ऊपर ये शहर, ये देश का इलेक्शन चल रहा है। ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत मशहूर है, राज ठाकरे हमेशा स्क्रीन लगाकर बोला करता है कि लगाओ वाली वीडियो, लाओ रे ये वीडियो। आज हमने भी स्क्रीन लगाया, लेकिन आज कोई मालेगांव शहर स्क्रीन लगती है? तगड़ू आई मिल के अंदर मैंने स्क्रीन लगाया तो हमारे शहर के कई मुकामी लीडरान के पसीने छूट गए, कई लोगों का बैलेंसिंग दिमागी बैलेंस बिगड़ गया था, रात भर नींद नहीं आ रही थी कि मेरी वीडियो को नहीं बता देंगे। लेकिन उस रोज मैंने नजरअंदाज की और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अंधेरे में कोई ना कोई खड़ा होगा कि हमारी तो नहीं बता रहा। लेकिन आज वो इलेक्शन नहीं है, मटेरियल तो बहुत है, पार्लियामेंट हो जाने दो, घोड़ा मैदान सामने है, मंच हमारे भी लगेंगे, मैदान में हम भी आएंगे और किसी कौन रंगीन मिजाज का है और कौन से मिजाज का है ये शेख आसिफ तुमको बताएगा। लेकिन आज वो नहीं है, आज ये देश का इलेक्शन है, मुसलमानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, इस देश के किसानों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है और ये हिंदू मुसलमानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो नंगा नाच कर रही है इलेक्शन के प्रचार के अंदर, वो वीडियो में बताना चाहता हूं। शर्म आती है कि हमको देश का ऐसा वजीर आजम मिला, नरेंद्र मोदी जैसा, शर्म आती है कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री इस देश को मिला, शर्म आती है कि इस देश के ऐसे नेताओं से जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहली वीडियो स्टार्ट करें, खामोशी से सुनो भाई, जरा खामोशी से सुनो। आवाज नहीं आ रही भैया। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार रिवर्ट कर जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उससे छीनने की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टो में गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। इसका मत भाई अच्छा आदमी वहां देखो आता ना तो साफ करना फिर से लगा। अभी आधा घंटे टाइम है टेंशन मत ले। अभी मुकामी नेताओं की तो मैं समाचार राष्ट्र में लूंगा। पहले देखा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार सुनो भैया मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आप बदलिए रहे ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जर्सी करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांटने मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कह रहा हूं दोस्तों और साथियों। ये हमारे देश के वजीर आजम हैं। मुझे यकीन है कि यहां ये मजमे के अंदर बैठे हुए 90% लोगों को 90% लोगों को आपको पता नहीं होगा कि इस मुल्क के अंदर इस तरीके का प्रचार चल रहा है, इस तरीके की तकरीर चल रही है। वजीर आजम को ऐसी बातें बोलना चाहिए क्या? हिंदू और मुसलमानों की बात कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मैनिफेस्टो लाया कि अगर कांग्रेस की सरकार एनडीए अगाड़ी की सरकार आ जाएगी तो बोले हर घर का बोले सर्वे कराया जाएगा, सोने का सर्वे होगा कि कौन सी बहन के पास, कौन सी मां के पास कितना सोना है और वो छीन कर बोले मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। और यहां तक कहा गया कि मंगल सूत्र भी हमारी हिंदू बहनों का छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। इस तरीके की तकरीर यह पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कही। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह एनडीए सरकार को मैं बोलना चाहता हूं, अरे हम वो मुसलमान है, वह हमारा अपना मजहब है, वह हमारी शरीयत है कि मुसलमान जकात देता है करोड़ों नहीं अरबों रुपया जकात। कई मां बहनों के घर बसाता है, कई के गले के अंदर मंगल सूत्र सजाता है। हम तो देने वाली कौम है, लेने वाली कौम नहीं है। तुमने ही कहा था कि मैं झोला लेकर आया हूं, तुम मांगने वाले हैं और हम देने वाले हैं। आपने अपनी पत्नी को तो नहीं संभाला, एक मंगल सूत्र नहीं संभाला, तुम क्या बात करोगे कि मुसलमान को क्या मंगल सूत्र की जरूरत है? यह राजकारण इस देश के अंदर चल रहा है और हम आज भी मैदान नहीं है, आज भी हम बेदार नहीं है कि ये इलेक्शन क्या है। इस मुल्क के अंदर इस तरीके का इलेक्शन, इस तरीके का प्रचार चल रहा है। बहुत सोच समझ के फैसले कर रहे हैं। अगर हमसे जैसी भी गलती हो गई तो याद रखना संविधान जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि ये भाजपा प्यारे से हमारा वोट का अधिकार छीन ले। आप ऐसा समझ के जाइए पुलिंग बूथ के ऊपर कि हमारी ये आखिरी वोट है और आखिरी वोट इतनी ताकत से हम डालेंगे इस देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी आप 4 तारीख के बाद वजीर आजम नहीं रहेंगे और झोला लेकर आप
फिर वो गुफा के अंदर जहां आपने केदारनाथ जाने का बोला था, आपको 5 जून को केदारनाथ जाना पड़ेगा। दूसरी वीडियो लगा। सारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव, लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आग क्यों नहीं फैला रहे हैं? भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। दोस्तों, जो पार्लियामेंट के अंदर जो हम जगह जगह के ऊपर तकरीरें करते हैं, अखबार के अंदर आता है कि एनआरसी लग गया, काला कानून हमारे खिलाफ, सी डबल ए लग गया, ये नरेंद्र मोदी जी वो तकरीर के अंदर बोल रहे हैं। शर्म आती हमको कि एक देश का, हमारे देश का पंत प्रधान कोई एक पार्टी एक धर्म का नहीं होता जब वो कुर्सी के ऊपर बैठता है, लेकिन जब एनआरसी का कानून लगा, सी डबल ए का कानून लगा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित भाई सब रास्ते के ऊपर जुलूस निकाले, एहतजाज किया, तो वो कह रहे हैं कि उनके होलिये के ऊपर पहचान लो, समझ में आता है कि कौन आग लगा रहा है, कौन फसाद कर रहा है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। किसके तरफ इशारा है? एनआरसी किसके लिए लगी? सी डबल ए किसके लिए लगा? ट्रिपल तलाक का कानून किसके लिए लाया गया? एहतजाज किसने किया? साफ तौर पर बोलने का मकसद है कि मुसलमानों के होलिये देख लो, जो दाढ़ी और टोपी और कुर्ते और पैजामे में रहते हैं वो मुसलमान है जिन्होंने आग लगाई, जो फसाद कर रहे हैं, जो रास्ते पे आ रहे हैं। शर्म आती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मोदी जी, आपका तो एक भी नहीं है, आपने एक औरत नहीं संभाल पाई, तो आपको बच्चों से कभी प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बच्चे ही पैदा नहीं। तो ये इलेक्शन चल रहा है इस मुल्क के अंदर, इस तरीके का इलेक्शन चल रहा है। 20 तारीख आपके सामने है, मैं आपसे अपील नहीं करूंगा, ये देख लो, अगर आप इनकी तकरीर को पसंद करते हैं तो वोट देने मत जाओ, और अगर ये तकरीर आप नहीं पसंद करते हैं तो वोट देने आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी है और आपकी भी है और हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है, क्योंकि ये देश जो संविधान है ये हमारा हिंदू और मुसलमानों का मिलके बना हुआ है और सेकुलर संविधान है। तीसरी लगा। उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करा, जर मशिदींमधलं हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील यांना मतदान कर म्हणून, मला राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे शिंदेचे अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील,
वर्ग स्वतः मतदान करा हि जी अनेक लोकांची जी चळवळ चालू आहे ना चळवळ काँग्रेसला मतदान करण्याच्या दृष्टिकोनात ही कशासाठी कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये तोंड वरती नाही काढता आलं यांना तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पक्षाचं केंद्रातलं सरकार माझ्या काही गोष्टींबद्दलचे मतभेद आहेत ते राहणार पण ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचा अभिनंदन देखील करणार जे अनेक चांगले मुसलमान आहेत जे आपापल्या कष्टाने काम करतायत नोकऱ्या करतायत व्यवसाय करतायत त्यांचा विषय येत नाही पण काही जे वाह्याल आहेत ज्याने इथे सगळा धुमाकूळ झाल्याचा धार्मिक धुमाकूळ ज्यांना गेले 10 वर्षामध्ये डोकं वरती नाही काढता आलंय ते या सगळ्या काँग्रेसच्या माध्यमातून डोकं वर काढण्याचा प्रयत्न करतायत आणि म्हणून हे सगळे फतवे निघतायत उद्या जर परत यांच्या हातामध्ये जर काही गोष्टी गेल्या चुकून पुन्हा रस्त्यावरती फिरणं पडलं हे कठीण करून ठेवतील मला अजूनही आठवतोय तो सगळा 80-90 चा सगळा काळ काय काय चालू होत त्यांचे उन्माद सुरू होते उन्माद बड़ी ये राज ठाकरे चार दिन पहले पूना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए जलसा हुआ कई लोगों को मराठी समझी होगी कई लोगों को मराठी नहीं समझी डॉक्टर शोभा बच्छाव आए हैं उनका स्वागत करो और उसके बाद जलसा चलता रहेगा मैडम आप परिचय कर लो सन्माननीय आमदार माजी आमदार आसिफभाई शेख व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर सर्व माझे जीवाभावाचे मतदार बंधू आणि भगिनींनो मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करायला आलेली आहे 20 तारखेला धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीचं मतदान आहे आपल्याला विनंती आहे माझा अनुक्रमांक 2 आहे आपण आपलं पवित्र मतदान आपले आशीर्वाद आपली दुवा पंजा निशाणी समोरील बटन दाबून आपण मला प्रचंड मताधिक्याने निवडून आणा अशी मी विनंती करते यापूर्वी मी आसिफभाईंनी एक जलसा ठेवला होता त्या ठिकाणी मी सफल असं भाषण केलेलं आहे आपल्याला मी शब्द देते की या धुळे लोकसभा मतदारसंघ आणि मालेगाव वासियांचे जे जे काही प्रश्न आहेत ते मी प्रामाणिकपणे सोडवेल आपले बुनकरभाईंचे प्रश्न आहेत कामगारांचे प्रश्न आहेत पाण्याचे प्रश्न आहेत सर्व प्रश्न मी सोडवेल अशी मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करते आणि पंजाला पुन्हा आपल्याला पुन्हा पुन्हा सांगते की पंजा निशाणी समोरील बटन दाबून आपण प्रचंड मताधिक्याने विजयी करावं धन्यवाद मैडम को और दूसरी तरफ जाना है 20 तारीख को बरोस पीर सोमवार सुबह 6 बजे उठकर कांग्रेस के निशान पंजे पर 2 नंबर बटन शोभा चाय बच्चाओ ये हमारे कांग्रेस की उम्मीदवार है हम सबको मिलकर लाखों की तादाद में वोट देना दोस्तों और साथियों ये अभी जो आपने वीडियो देखी आपको कई लोगों को मराठी समझा और कई लोगों को मराठी नहीं समझा ये पूना के अंदर बोला गया क्या बोला गया कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना को जिताने के लिए बोले इस देश के इस महाराष्ट्र के मस्जिदों से फतवे निकल रहे हैं मौलवी और मुल्ला फतवे दे रहे हैं कि वोट
कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी को देना, इस तरीके की तकरीर राज ठाकरे साहब को, ये उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बोला तकरीर में कि 10 साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी तो बोले मुसलमानों ने अपना सिर ऊंचा नहीं किया, दब के रहे, डर के रहे, झुक कर रहे, ये मतलब उनका अपना। ये बिन पेंदे के लोटे है राज ठाकरे से। पिछले इलेक्शन के अंदर ये नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह को मैं कदम रखने नहीं दूंगा, और आज उनके तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। मुझे बता, मेरा सवाल है, फतवा जब निकलता है, अगर मुफ्ती इकराम हमारे देश के, हमारे दुनिया के कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम अगर फतवा देता है, एक फतवा बता दो कि कभी वोट देने का फतवा निकला क्या? एक फतवा बता देना। इस देश के अंदर एक मुफ्ती ने अगर कोई फतवा निकाला है तो शेख आसिफ राजकारण छोड़ देगा राजकारण। मुझे बताओ कि हमारे मुफ्ती, इस मुल्क के मुफ्ती, उलमा, ये कैंडिडेट कौन, मुसलमान थी क्या? शोभा बच्चाओ, उनका धर्म हिंदू है, मराठा है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की लड़ रही है, 48 लोग हिंदू है। एक मुफ्ती का फतवा हिंदू भाई के वोट देने के लिए क्यों निकलेगा? लेकिन हमारे मसाजिद को बदनाम करना, हमारे उलमाओं को बदनाम करना, हमारे मुसलमानों को बदनाम करना और हमारे नाम पर सियासी दुकान चमकाना, वोट मांगना, हमारे हिंदू भाइयों से आज अल्लाह का करम है कि हिंदू भाई भी समझदार हो गया। अब इनके छछन में आने वाला नहीं है। मैं सलाम करता हूं किसान भाइयों को, मैं सलाम करता हूं हिंदू भाइयों को कि जो लहर चली इस महाराष्ट्र के अंदर, इनकी जमीन खसक चुकी है। ये राजकारण चल रहा है, इस तरीके की वोट इस मुल्क के अंदर और इस महाराष्ट्र के अंदर मांगी जा रही है। दोस्तों, ये महाराज आपको बताने के लिए स्क्रीन लाया हूं। चौथी, इस मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती, ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। ये हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनकी जिम्मेदारी क्या है कि इस देश का लैंड ऑर्डर, इस देश के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने बिहार के अंदर तकरीर की अभी इलेक्शन में, क्या बोल रहे हैं, हम इस बात के, इस देश का मुसलमान कभी भी गाय का कत्ल नहीं करता, ना कुर्बानी नहीं करता और ना हम गाय का गोश्त खाते हैं। हमारे उलमा को तो फतवा के मत खाइए, हमारे उलमाओं ने तो कहा कि गाय का इकराम करना चाहिए, उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है सब, कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बना दो जो गौ हत्या करेगा उसको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा।
ये देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती? उल्टा लटकाना मतलब क्या? ये गौ रक्षा वाले ये फिरका प्रेस तंजीमों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्या फिर एक इखलाक का कत्ल करना चाहते हो? इखलाक अहमद का कत्ल हुआ इनकी हुकूमत के वक्त, क्या फिर किसी का कत्ल कराना चाहते हो? क्या फिर कोई मॉब लिंचिंग कराना चाहते हो? पहलू खान का कत्ल हुआ राजस्थान में, क्या फिर कोई तीसरा पहलू खान बताना चाहते हो? हमारे शहर में कई हुए, यहां पर कुरैश बिरादरी के बहुत लोग हो गए। जब ये लोग भी आवाज देते तो हम खड़े रहते। याद रखना, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर इनकी हुकूमत आ गई तो ये 10 साल के अंदर जितना हम पर जुल्म किया गया उससे कई ज्यादा जुल्म हमको सहना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात। पांचवी लगाओ, अब हमारे शहर के नेता की है, बताइए। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। दिल्ली पर्यंत बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय शिवाजी, भारत माता की जय, श्री राम। ही आपल्या देशाचं भवितव्य घडवणारी निवडणूक आहे। आपण जर बघितलं असेल आतापर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी मतदान संपन्न झालं त्या त्या ठिकाणी विशिष्ट लोक मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडतायत आणि या गोष्टीची खबरदारी तुम्हाला सगळ्यांना घ्यावी लागणार आहे। तुम्हाला सुद्धा मोठ्या संख्येने मतदानाला त्या ठिकाणी उतरावं आणि मोदी साहेबांचे हात आपल्याला बळकट करायचे। ही कोण आहे पैशांचे? कोण आहे? हमारे बाह्य मतदार संघ के एमएलए जाति दुश्मनी नहीं है, ना दादा भूसे से, ना नरेंद्र मोदी जी से, ना अमित शाह जी से, ना किसी से। हमारी विचार की और सोच की लड़ाई है हमारी। उनकी सोच हमको पसंद नहीं है और हो सकता हमारी सोच उनको पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये 2 दिन पहले की वीडियो है। 2 दिन पहले पिपलगांव जब नासिक जाओ तो पिपलगांव टोल लगता, जो पिपलगांव बसवंत है वहां पर परसों के दिन जलसा हुआ। नरेंद्र मोदी जी भी थे और युवती के अंदर युवती आघाड़ी के सब लीडर। क्या बोले दादा उसे साहब ने? ठीक है, वो नारे वगैरह लगाए, वो उनका अपना मसला है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना। क्या बोला उन्होंने? एक विशिष्ट यानी एक समाज ठहराविक मतदान के लिए, यानी वोट के लिए लाखों की संख्या के अंदर बड़े बाहर निकल रहे हैं वोट देने के लिए। और उन्होंने ये अपील की हिंदू भाइयों से, हिंदू मुस्लिम करके, कि आप भी लाखों की संख्या के अंदर वोट देने। कौन बोल रहे? दादा भूसे साहब। दादा भूसे साहब, आपका चेहरा अब ये शहर में देख चुका है। आप देहरा और रमजानपुरे में जाते बहुत हमदर्दी बताते हैं, आप मालदे में जाते तो बहुत हमदर्दी बताते हैं, और हमारे शहर का तो निराला सब हिसाब किताब है। यह ऐसी तकरीरें चल रही हैं।
ये प्रचार की हमारे जिले की, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में, जिससे हम इस देश से प्यार करते हैं, उसके अंदर ऐसा इलेक्शन चल रहा है, ये बताना था मुझको आज आपको। अब फैसला आपको करना है, 20 तारीख को आपको निकलना है, निकलो, नहीं निकलना है मत निकलो। आपके बच्चों का अगर मुस्तकबिल चाहते तो लिख लो, और मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं तो घरों पे बैठो। दादा भुसे साहब, माफी के साथ आज मैं किसी पे तंकीद नहीं करना चाहता। अगर मेरे से कुछ बोला जाएगा तो मैं माफी चाहता हूं। पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की हुकूमत रहे, मैं यहां के बुनकर भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, यहां की बुनकर तंजीमों से बोलना चाह रहा हूं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए। वो कमेटी क्यों बनी थी पता है आपको? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में, लेकिन बोल रहा हूं कि दादा भुसे साहब के लड़के को पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना था और मुसलमानों की वोट की जरूरत थी और आपसे वोट मांगने आने वाले थे, इसके लिए बनी। लोटस हाउस के अंदर शहर के एमएलए के साथ कई तंजीमें आओ भगत कर रही थी, आओ भगत कर रही थी, बंबई में मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग, दादा भुसे साहब के संपर्क कार्यालय के अंदर हमारे बुनकर भाई तंजीमें जाकर बैठते थे, दादा भाऊ, दादा भाऊ, दादा भाऊ है तो बोले आप पूरे टेक्सटाइल के अंदर नए लूम के लिए फंड, बिजली के अंदर सब्सिडी मिलेगी, यार्न में सब्सिडी मिलेगी, पावर का रेट कम हो जाएगा, जैसा मसीहा बनकर हमारे लोग पेश कर रहे हैं। लो ये चुंबा ले लो जाकर, उनके भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं, मैं पहले माफी मांग लेना भैया, और माफी मांगने में कोई छोटा होता होता नहीं, शेख रशीद साहब ने सिखा दिया। मुझे बताओ, मेरा सवाल है, अमरीश भाई पटेल ने इलेक्शन लड़ा, पहला जनरल हुआ, गिरे अमरीश भाई पटेल, हुआ ना वोट का डिवाइडेशन, हुआ या नहीं? दूसरे डेप फिर अमरीश भाई खड़े, फिर गिर गए, फिर डिवाइडेशन हुआ थोड़ा बहुत, कुणाल पाटिल लड़े, फिर वंचित से नबी अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ लिया। और मुझे याद होगा, चाहे मैं गलत ना हो, मेरी याददाश्त अच्छी हो, हालांकि थोड़ा उनका भी प्रचार होना चाहिए इस इलियास साहब का, उन्होंने भी उनके ही साथ थे। जब जब शहर को यह मौका मिला, जब जब ये शहर ने गलती किया, सरकार किसी और की बनती और चुनकर किसी को और को देती, सरकार किसी और की बनती चुनकर किसी और को देती। 9 में कांग्रेस की सरकार आई, मुफ्ती साहब को चुन के दे दिए, क्या फायदा हुआ मुझे बता दीजिए। मैं ठीक है, इलेक्शन हो गया, गया, हर चीज लगी रहती है, ये मानने वाले बहुत बड़ा कलेजा है, कोई बात नहीं। 14 में मां आया तो बहुत कोशिश किया, बहुत लड़ा, लेकिन बदकिस्मती थी कि सरकार हमारी नहीं थी। 19 में मैं लड़ा, फिर मुफ्ती साहब को दे दिए, कांग्रेस की सरकार है।
ये शहर का टेक्सटाइल, ये शहर का पावर लूम, तुम जिसके भरोसे पे चाहते हो कि ये टेक्सटाइल आगे बढ़े, सहूलत मिले, तो अगर गलत फैसले लेते रहोगे तो कभी फायदा नहीं होगा। ये वो दादा भूसे साहब है, अपना मुफाद था तो आपके साथ आपके पास आ रहे, बाजू में बजा रहे थे अखबार के अंदर हेडिंग मास वीडियो, क्या चैनल वालों को बंबई साथ में, मंत्रालय में साथ में, गाड़ी से उतर रहे तो फोटो वीडियो, होटल में खा रहे तो वीडियो, अजीब काम। ये मुफाद था, अब बताओ उनका चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं। विशेष समाज मतलब क्या, यानी मुसलमान बाहर निकलना बोले वोटों के लिए, तुम भी लिख लो ये जुमला, ये शहर के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घातक जुमला है, और एक पालक मंत्री को इस तरीके का जुमला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जिम्मेदार व्यक्ति। ये इलेक्शन चल रहा है इस देश का, इस महाराष्ट्र का और ये शहर का, ये इलेक्शन चल रहा है। मैंने पूरी 5 वीडियो के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया। और इसके लिए जिगर लगता है इसी वीडियो बताने के लिए, मर्दानगी लगती ऐसी वीडियो कांग्रेस के बड़े लीडरान भी नहीं बताते, न बड़ी बड़ी पार्टियों के नहीं बताते। मुझे मालूम है इसका परिणाम मुझे भुगतना है, लेकिन अगर मुझे अगर ये सरकार बीजेपी के लोग अगर जेल के अंदर भी डाल देंगे, लेकिन अगर मेरी कौम ये बेदार हो जाएगी तो मैं समझूंगा वसूल हो गया, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीना जेल में, ये मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह गवाह है कि मैं आज जो आपको बता रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई मुसलमान, एक वर्कर ने, एक जिम्मेदार ने इस देश के मुसलमानों को नहीं बताया होगा कैसा प्रचार चल रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपको फैसला करना है 20 तारीख, शहर के एमएलए साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, 2 दिन पहले जलसा हुआ, मलारिया तक किला फतेह कर लेंगे फतेह मैदान से। मुझे लगा कि फतेह मैदान के अंदर ऐसी तोप धड़केगी कि बीजेपी चारों खाने चीत हो जाएगी। जब मैंने उनकी तकरीर सुना, पहले तो मेरा उनसे सवाल है, अब क्या सोच रहे थे? 3 तारीख तक फॉर्म नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख थी, आखिरी बात समझ, 3 तारीख आखिरी तारीख थी, 3 बजे तक फॉर्म नॉमिनेशन करने की पार्लियामेंट की। ठीक है, आपकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, आप 3 तारीख से 15 दिन आपने क्यों हिमायत नहीं की सेकुलर उम्मीदवार, ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों हिमायत नहीं की, क्यों शहर के आवाम को कंफ्यूज रखा आपने? मैं समझ रहा था कि भाजपा के खिलाफ इतनी चंपी करेंगे वो, क्योंकि वो भी एक बहुत अजीम दारुल उलूम देवबंद के रुकन है, वहां पर भी बजट होता है, वहां पर भी पॉलिसी बनती है, वहां भी मुस्तकबिल का मुसलमानों का सोचा जाता है, और दिल्ली से करीब है, देश के हमारे बड़े बड़े उलमा उस बोर्ड के अंदर है। मुझे लगा कि मुफ्ती साहब तो बिजली की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही कर दिया, कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन मैं भी एक बात बोलना चाहता हूं आज कि कांग्रेस पार्टी को भी यह 10 साल के अंदर
और नरेंद्र मोदी को भी यह बात समझ गई। कांग्रेस को अब समझ रहा है कि मुसलमान जब इत्तेहाद के साथ किसी के पीछे खड़े रहता है तो तानाशाह को भी झुकना पड़ता है, यह मुसलमानों ने बता दिया। और कांग्रेस को भी यह समझ में आ गया 10 साल के अंदर कि जितनी बेवफाई हमारे साथ की गई तो आज अब तुम्हारे साथ खड़े हैं तो आज तुम ताकत में दिख रहे हैं। दोनों को हमारा एहसास हो गया। मैं सलाम करता हूं मुल्क के मुसलमानों को, सलाम करता हूं। लेकिन मुफ्ती साहब ने तो जो चंपी की कांग्रेस ठीक है, उनकी गलतियां हुई होगी, लेकिन आज वक्त नहीं था आप सीधा बोलते कि शोभा बच्चों और पंजा निशान को और को जैसा मैं मर्द कहे मतदान की वाली बात कर रहा हूं, वोट मांग रहा हूं ना, मुझे मालूम है असेंबली में कल क्या होगा, होने दो। लेकिन आज मेरे कौम का सवाल है, आज मेरे देश के मुस्तकबिल का सवाल है, आज ये संविधान का सवाल है, उसके लिए कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। आपने अभी तक पंजे की वोट नहीं मांगी, अरे बेदार कर दो, इलेक्शन हम लड़ते रहेंगे। और मुझे तो बहुत बोलना है, ये जो 15 दिन का वक्त गया आगरा रोड का, एक उनकी पार्टी का आदमी मेरी मालूमात के हिसाब से उनके पास गया, बोले हजरत, बोले मैं पार्लियामेंट की उम्मीदवारी करने वाला हूं, आप मुझे टिकट दिलाओ मैं आपको पार्टी फंड दूंगा। बात में 99% सच्चाई है। जो मेरे पास मालूमात आई, हजरत भी परेशान हो गए, मैं 10 दिन स्कूल एक टिकट या 2 टिकट कारपोरेटर का दूं, ये पार्लियामेंट की बात कैसे कर रहा है। हजरत बोले ठीक है मशवरा करेंगे, ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरे ने भी तैयारी शुरू कर दी, इधर पीछे वालों ने लाली पाउडर लगा के आजकल जलसे में पहुंच जा रहे हैं, जलसे से 1 घंटा पहले मेकअप होता, कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, कौन सी डिजाइन का लगेगा, फिर जलसे के बीच में चलते आएंगे तो सब हटाएंगे। अबे जलसे में ही 500 लोग तो कौन हटाने की जरूरत पड़ती। बहुत झगड़े चल रहे थे इनके, हजरत कह रहे उनके बहुत, मेरी मालूमात के हिसाब से इन्होंने भी कहा कि मैं भी लड़ना चाहता पार्लियामेंट, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया था मैं नहीं लड़ रहा हूं, उसके बाद कहीं घटना करो मैं, बोले मैं भी पार्टी फंड दूंगा आपको। हजरत भी देख रहे इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, चला माजरा क्या है। अरे दोनों मेरे वर्कर है, मेरे बिगैर चुन के नहीं आ सकते कारपोरेशन में, ये पार्लियामेंट की बात कैसे कर रहे और उल्टा माल भी लेने की बात कर रहे। अब मुफ्ती साहब है उनको तो बसारत होती, उनका तो समझ गया होंगे, ये तो एक ही दुआ के एक ही सुरे के। ये तो ये खुद रेस में लग गए मेरी माल, बोले माल तो कैसे तो आ रहा है, ये इनका तो खर्चा नहीं करेंगे, इतना बड़ा इलेक्शन है इनका खर्चा नहीं करेंगे, तो ये खुद रेस में लग गए। अब इन्होंने भी 100 किलोग्राम थैले भर के माल मांग लिया, सामने वाले बोले नहीं इतना माल नहीं दे सकते हम, उसका आधा थैला करो 50 किलो वाला तो मामला जमेगा, बोले। अब ये देखिए कि अगर मैंने नहीं बोल दिया तो ये दोनों में से कोई उनके हत्थे चढ़ गया अगर तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। इन्होंने भी ऊपर फोन करके बोले नहीं
सेक्युलर उम्मीदवार अगर हार जाएगा तो हम पे टाइम लग जाएगा। इन्होंने क्या करे, खुद का तो नुकसान हो रहा, उनको मालूम है चल जाएगा, वो कभी भी वो नुकसान का सौदा नहीं करते। इन्होंने इनके दोनों की खाने के अंदर मट्टी डाली, उसके बाद तो वो मीटिंग में मुफ्ती साहब की धुलाई, वो तकरीरों में धुलाई, वो प्रेस में धुलाई, के पूछो। असल में मसला ये है, बहरहाल मुफ्ती साहब को मुबारकबाद कि अच्छा फैसला किए, तुमने टिकट नहीं लिए, मैंने भी समझदारी से रिवर्स आया हूं, आप भी रिवर्स आए, अच्छा फैसला करें, मुबारकबाद देता हूं, चाहे आपके दिल में कुछ भी हो, लेकिन मट्टी तुमने जरूर डाली, तुम भी राजकर्मी हो गए मुफ्ती साहब, सियासी हो गए, तुम्हारी भी मोटी चमड़ी हो गई। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई, मोटी चमड़ी इनकी हो गई, कितने भी हमला करो, अरे बोलते मोरी इतनी मोटी चमड़ी हो गई, या मुझे कोई असर नहीं होगा, ऐसा ही ना मना। असल बात ये, लेकिन सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि 15 दिन क्यों लगे, क्यों कांग्रेस के खिलाफ बोला गया, क्यों शहर की आवाम को कंफ्यूज किया गया, क्यों पंजे के ऊपर उतनी मांगी जा रही, मांगो 6 महीने बाद बड़ा मैदान सामने रहेगा, लड़ लेंगे, ये मुस्तकबिल का, कौम के मुस्तकबिल का है। मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब आज के जलसे में वोट मांगे होंगे, आज के जलसे में वोट उन्होंने मांगा होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन मुफ्ती साहब और जो लोग इंडिया अलायंस में है, माफी के साथ उनसे भी बोलना चाहता हूं, भवन के बाजू वाली ऑफिस वालों का कुछ तो नजर आ रहा है, लेकिन शहर के अंदर कहीं भी स्टॉल बूथ वर्कर काम करते नजर नहीं आ रहे, सिवाय हमारी पार्टी के 50 बूथ लगे हमारे शहर में, लोगों को वोटर स्लिप आवाम को दिया जा रहा है। बचे कल शनिचर इतवार 2 दिन है, सब इख्तलाफ भूल जाओ, निकल पड़ो और बता दो भारतीय जनता पार्टी को कि अब तुम 4 तारीख को सत्ता में नहीं रहेंगे, बता दो। दोस्तों और साथियों, एक अजीब बात आज मुझे मालूम पड़ी, जो लोग सिंबल नहीं लगा रहे, जो लोग वोट के पंजे को नहीं मांग रहे लेकिन हिमायत कर रहे, अरे अफसोस कि मेरे को एक शख्स ने आके बताया, उसमें मुफ्ती साहब नहीं है, साहब सबका है, वो किस पे इल्जाम लगा रहे, छोटे छोटे लोग 2-2, 3-3 वार्ड वाले, 5-5 वार्ड वाले, आगरा रोड के भी लोग नहीं है, अरे ऐसे लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को मार रहे, आज भी जिम्मेदार आदमी ने मुझे बताया, वो जरूर हिंदू भाई है, बीजेपी वाला है, हमारे तालुका था, राजकोट में गया था, वो वहां मिलकर बोल रहा है कि यार कैसे लोग हैं, बोले वोट परसेंटेज के लिए हमारी मीटिंग करा दो, हमारी क्लीनिंग करा दो, हम वोट परसेंटेज कम कर देंगे। इलेक्शन के बाद 50-50 करोड़ का विकास निधि फंड दिला देना, अजीब बात, यह कौम किस चौराहे के ऊपर खड़ी है, किस मुसीबत में खड़ी है, अभी भी अपना जाति मुफाद, असल में तरबियत जैसी होती है ना, जैसा सिखाया जाता है ना, वैसे ही बच्चा सीखता है, वैसे ही किया जा रहा है, ये काम को बेचने का सौदा आज तक किया जा रहा है, और कई वार्ड के अंदर जहां हमारे कॉर्पोरेटर नहीं है, हम वहां भी बूथ लगा रहे, तो वो क्या बोल रहे, जो माल आएगा छल लेंगे,
करने ना बोले वो राष्ट्रवादी के लोग करेंगे। अबे हम तो करेंगे। ये शहर के अंदर चल रहा है, इसलिए आज ये केस बनेगा चलेगा, कल जेल जाऊंगा चलेगा, लेकिन आज मुझे साफ साफ बात ही शहर की आवाम से करनी है। हमारे परिवार के ऊपर जातियात पे बोला जा रहा है, लेकिन मुझे कई वर्करों ने बोले शायद जवाब हुआ मत, कैसे लोगों का जवाब देना यार, कैसे लोगों ने हमसे सवाल करना। ये रहमानी मस्जिद के इमाम साहब सवाल करेंगे तो मैं जवाब भी दे दूंगा मस्जिद में बैठ के, हमारे परिवार पे इल्जाम लगाने वालों को। ऐसे लोग, उनका किरदार शहर को मालूम है, लेकिन आज वो ये मंच नहीं है मैं किस पे तंकीद करूं। बहरहाल आइंदा करूंगा। तो दोस्तों 20 तारीख को डॉक्टर शोभा बच्चाओ का पंजा निशान के ऊपर दो नंबर बटन दबाकर तारीख लिख दो और घरों से निकल कर ओढ़ दो और सामने वाले की जमानत जब्त तो कर दो। मैं आज आपसे उम्मीद के साथ बोलता हूं कि हिंदू दलित सिख ईसाई किसान वो जो भाईचारा मैंने कल सटाना में जाकर देखा, मैंने पूछा वहां भी पोजीशन अच्छी है, धुलिया के हिंदू भाई सिंह खेड़ा के हो मालेगांव तालुके को सब तरफ से वोट मिल रही है। अब देखो कल एक बाबा आ रहे शहर में, अब वो कल क्या जहर उगलते, उनका काम ही जहर उगलना है। बहरहाल कल के कोई कुछ बोला जाएगा शहर के लिए, लोगों के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, तो उसका जवाब देंगे। बहरहाल आप लोग 20 तारीख को लिख लोगे ना, किसी की परवाह नहीं करते हुए, रिक्शा का इंतजार नहीं करते हुए आपको निकलना है और वोट देना है, और इंशाल्लाह 4 तारीख का सूरज हमारे मुस्तकबिल के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और हमारे स्टारों के ऊपर फिल्म लेकर हासिल कर लो। शुक्रिया।